हमारे देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे हमारे साथ हैं। सर, एक सबसे पहले जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ सवाल है कि जुलाई का जो महीना है, 9 महीने बाद 2000 केसेस लिस्ट होंगे, तो पेंडेंसी को कम करने के लिए आपके लिए क्या प्लानिंग है? एक अरियर्स और केस फ्लो मैनेज करने के लिए कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके रिकमेंडेशंस आएंगे तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे। काफ़ी उस पर सीरियस विचार चल रहा है और ज़रूरत पड़े तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी भी यूज़ करेंगे। सर, दूसरा सवाल ये है कि सर, जो PIL है, जनहित याचिकाओं के नाम पे बहुत याचिकाएं दायर हो जाती हैं, इसका सर क्या समाधान है कि इसका दुरुपयोग ना हो और समय बर्बाद ना होने आए अल्लाह का? वो केस टू केस देखा जाएगा। और सर, इसमें एक ये था कि जो अक्सर रहता है कि सरकार को लेके और न्यायपालिका को लेके जनता के बीच में, तो इसमें आप क्या मानते हैं कि न्यायपालिका और सरकार के बीच में किसी प्रकार का कोई तकरार रहता है या जो जजमेंट ऐसी आती है उसकी वजह से हालात ऐसे पैदा होते हैं? नहीं, सरकार और न्यायपालिका के रिश्ते ठीक हैं। लास्ट में हम उस पर आ जाते हैं कि जो अयोध्या वाला मामला है, इसके आप एक पार्ट रहे हैं, तो ये जो जजमेंट है सर, अगले हफ्ते या कब तक रहे, कि जनता बहुत चाहती है कि रामलला जी के लिए सब उसके भक्त हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है सर? जल्दी आ जाएगा,